तो जो बैंक्स लोन देती है, जो मैंने देखा है, वो है एक्सिस बैंक। मैं आपको चलना, आप देख रहे हैं मुझे। और तो मेरा नाम लोकेश राउत है और मैं सेकंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ ओरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, रशिया में, ठीक है। और मैं मेडिकल बोल रहा हूँ, मतलब मैं MBBS कर रहा हूँ वहाँ, उसके हिसाब से MD फिजिशियन की डिग्री मेरे को मिलेगी अगर मैं पास हो गया तो 6 साल में, ठीक है। तो ये वीडियो एजुकेशन लोन करते वक्त सबसे मेन आपका माइंड स्ट्रॉन्ग रखो। एजुकेशन लोन बोलते तो नेशनल बैंक बोलते तो गवर्नमेंट का काम, और गवर्नमेंट का काम बोले तो धक्के वाला काम। 10 बार बैंक जाना पड़ेगा, 10 बार खुद से फ़ोन करना पड़ेगा, सर ये हुआ क्या, सर वो। इरिटेट नहीं करना है अपने मैनेजर को, गिव हिम रिस्पेक्ट और उसको प्यार से पूछो, सर वो क्या हुआ, उसको रिमाइंड करो। वो बोलेगा कल एक बार कॉल कर देना, याद से कॉल करना, ठीक है। आपको 10 बार कॉल करना पड़ेगा, 10 बार पूछना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा 10 बार बैंक में, वो आपको यहाँ बुलाएगा, ये डॉक्यूमेंट नहीं है, वो डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सब आपको उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। ये मत कर देना यार कितना टाइम लग रहा है, कल ही तो ये सब चीज़ें दी थी, उसको फिर से रिपीट करना है। देखो गवर्नमेंट का काम ऐसे होता है, ठीक है। तो मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाओ और किसी भी पॉइंट पे एकदम छोड़ मत देना कि यार नहीं होगा करके, ट्राई करते रहो। एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की या लड़की के लिए कोई दूसरा ऑप्शन नहीं एजुकेशन लोन के सिवा, क्योंकि हमारे पास तो उतना पैसा है नहीं, ठीक है। या कोई भी बंदा हो जिसको एजुकेशन लोन लेना, तो ये सब चीज़ें हैं, आगे देख लो। ऐसी वीडियोस एजुकेशन लोन फॉर अब्रॉड, एजुकेशन लोन फॉर रशिया, ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी दिख जाएगी यूट्यूब पे, लेकिन सब अफवाह है। एक भी वीडियो कोई काम की नहीं है, ठीक है। मतलब वो लोग जब बोलते हैं तब ऐसे बोलते हैं कि आप डिजर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एजुकेशन लोन इन बैंक, 10 डॉक्यूमेंट के नाम दे देंगे, यू अप्लाई इट इन बैंक, ऐसा ऐसा करो लोन मिल जाएगा। एजुकेशन लोन मिलना बहुत ज़्यादा टफ होता है, ठीक है। मैं इस प्रोसीजर से लगभग, मेरे को अभी 8 महीने हो गए हैं मैं गुजरा हूँ, मेरे को लोन सैंक्शन कराने में 6 महीने लग गए। मैंने अक्टूबर में अप्लाई किया था, अक्टूबर सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, इतना टाइम मेरे को लग गया, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन सीधा मेन पॉइंट पे आते हैं। एजुकेशन लोन रशिया के लिए या कोई भी दूसरी, यूक्रेन हो गया या चाइना हो गया, तो यूक्रेन चाइना के बारे में अपन ज़्यादा बात करेंगे नहीं, ठीक, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे रशिया में पढ़ते हैं, तो मैं रशिया ही बात करूँगा। रशिया के लिए एजुकेशन लोन सबसे पहले MBBS प्रोग्राम के लिए बैंक्स देने को नहीं देखती, ठीक है। इसका रीज़न ये है क्योंकि FMG एग्ज़ाम का जो पासिंग रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है, और वहाँ से जो बच्चे आते हैं वो मतलब वो क्लियर होके नहीं आता उनका एग्ज़ाम, और उनसे मनी रिटर्न की उनको गारंटी नहीं रहती, ठीक है। सेकंड रीज़न ये है कि कोर्स पीरियड अपना बहुत ज़्यादा लंबा होता है। मेरे कॉलेज की बात करूँ तो ऑन एन एवरेज लगभग इस सब कॉलेज का 5.8 ईयर्स के आसपास कोर्स पीरियड होता है, पढ़ाई का पीरियड। एजुकेशन लोन SBI रशिया के लिए MBBS के लिए नहीं देती। आपका कोई पहचान का बंदा होगा तो आपको जुगाड़ करके मिल जाएगा, लेकिन SBI नहीं देती। बहुत सारी बैंक्स हैं जो एजुकेशन लोन रशिया के लिए देने को नहीं देखती, ठीक है। मैं अभी उन दो तो इधर उधर फाइल लेके जाओ, ये बैंक वो फलाना बैंक, ढिमका बैंक, बैंक ऑफ दिस बैंक ऑफ वो, कोई मतलब नहीं। थोड़ी आपकी पहचान है तो अप्रोच करो उस बैंक को, लेकिन बहुत ही कम चांसेस है आपको रशिया MBBS के लिए लोन मिले। उसके बाद में तो जो बैंक्स लोन देती है, जो मैंने देखा है, वो है पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये 3 बैंक्स है जो MBBS रशिया के लिए, मेरे तो भी देखने में ये बैंक सही जो लोन देती है। अब लोन देती है मतलब लोन ऐसी एकदम तो देगी नहीं, ठीक है। इसका बहुत ज़्यादा प्रोसीजर एक कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे पहले एजुकेशन लोन कोई भी बैंक 1 टाइम डिसबर्स नहीं करती। कान खोल के सुन लो, एजुकेशन लोन आप बैंक में मांगने जाओ वो लोग दे देंगे, लेकिन आप अगर बोलोगे कि मेरे कॉलेज या यूनिवर्सिटी ये डिमांड कर रही है कि मेरे को एक साथ 1 साल में पैसा भरना है, बिल्कुल नहीं सुनेंगे। एजुकेशन लोन की क्राइटेरिया ही ये बनती है कि 1 टाइम डिसबर्समेंट होता नहीं है। आप जैसे जैसे आपका ईयर बढ़ेगा, जैसे जैसे आप पास हो उसका प्रूफ दोगे बैंक को, तब हर साल आपका जो बैंक है वो आपके फंड्स डिसबर्स करेगा। मैंने बहुत सी वीडियोस देख ली, एक साथ मिल जाता है, एक साथ भर देते हैं, ये वो
बकवास है सब। पिछले साल भी घूमा, इस साल भी घूम रहा हूँ, फाइनली अभी थोड़ा एक जगह थोड़ा ठीक सेटल हुआ है, देखते हैं अभी। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि इस झमेले में पढ़ना मत, ठीक है? एक बार बोल के देखना कि मेरे को ऐसा ऐसा चाहिए, तो वो लोग सबसे वो सीधे ही मना कर देंगे आपको कि नहीं होगा, क्योंकि इनके समझ में नहीं आता है, और मतलब क्योंकि वो आपको मना ही कर देंगे, एजुकेशन वो नहीं मिलता वन टाइम। तो सबसे बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है पर ईयर के लिए जाओ, लेकिन अगर पर ईयर जैसे मेरे कॉलेज का जो पर ईयर का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, $36,000, तो सेमी पैकेज सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो बैंक के रूल्स में भी फिट आता है। पहले साल बहुत बड़ा अमाउंट भरना पड़ता है, ऑलमोस्ट 13-13.5 लाख के आसपास, और उसके अगले साल अगले 5 साल कुछ कुछ अमाउंट, तो ये पर ईयर में भी आ जाता है, ठीक है? और आपको एकदम $36,000 भी नहीं देना पड़ता, तो ठीक आ जाता है। इसका ब्याज 1.5, इसका ब्याज भी कम लगता है, क्योंकि अगर आप एक साथ पूरा पैसा ले लोगे, अगर किसी बैंक ने दे ही दिया, आपके पापा की ही बैंक है या आपके पापा मैनेजर है, आप किसी ने दे भी दिया, तो अगर एक साथ आपने उतना अमाउंट उठाया उसका ब्याज 6 साल में बहुत ज़्यादा होता है। कम अमाउंट पर इंटरेस्ट कम बैठता है, ज़्यादा अमाउंट पर इंटरेस्ट ज़्यादा बैठता है। इंटरेस्ट वाले फंड पे अभी जाते नहीं, अपने वो काम करिए। तो सेम पैकेज आपने चूज़ करना है, या ऐसा कुछ पर ईयर वाला पैकेज जिसमें सबसे कम पड़े, वन टाइम वाला दिमाग से निकाल दो। इसके बाद बैंक एक लोन देती है एजुकेशन लोन विदाउट मॉर्गेज, जिसमें आपको प्रॉपर्टी क्या बोलते कोलेटरल या गिरवी नहीं रखनी पड़ती है। और दूसरा है विद मॉर्गेज। विदाउट मॉर्गेज बैंक लोन तब देती है जब आपका लोन 7.5 लाख से कम हो। 7.5 लाख से अगर आपका लोन कम है तो आपको विदाउट मॉर्गेज लोन मिलता है। अगर आप 7.5 लाख 7.5 लाख एक स्टैंडर्डाइज नेशनल बैंक की मैं बात कर रहा हूँ, 7.5 लाख से अगर आपका लोन अमाउंट रिक्वायर्ड ज़्यादा है तो आपको गिरवी रखना पड़ेगा कुछ ना कुछ, उस पर अपन आते हैं, ठीक है? पहले ये पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। कंपल्सरी नहीं है कि हर बैंक विदाउट मॉर्गेज 7.5 दे ही, वो फिर बैंक पे है। ऐसे रूल तो है नेशनलाइज बैंक का कि 7.5 लाख विदाउट मॉर्गेज दे देते हैं, उसके बाद फिर वो फंड आता है यूनिवर्सिटी वाला, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, कैसी है, अच्छी है या नहीं, तब जाके वो देते हैं। और किसी बैंक को अगर कि कोई बैंक ये भी बोल सकती है कि आप इंडिया में नहीं हो, ये रूल इंडिया के लिए है, और आप एब्रॉड जा रहे हो तो आपको सिक्योरिटी रखनी ही पड़ेगी। कन्विंस करने का ट्राई करो कि नहीं सर ऐसा ऐसा नहीं, विदाउट मॉर्गेज 1.5 लाख कम अमाउंट चाहिए। अगर वो बैंक सुन ही नहीं रही तो थोड़ा दूसरे को ट्राई करो, दूसरी जगह अगर आप हाथ पैर मार के आ गए हो तो कोई मतलब नहीं है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। आपको सिक्योरिटी अगर आपके पास है तो दे दो। आप जब भी बैंक में लोन के लिए जाओगे सबसे पहले मैनेजर आपको बोलेगा यूनिवर्सिटी कौन सी है ये वो। हर बैंक के पास एजुकेशन लोन क्राइटेरिया में एक यूनिवर्सिटी की लिस्ट होती है, अगर उस यूनिवर्सिटी के लिए अगर उस यूनिवर्सिटी में अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है तो कन्फर्म आपको लोन मिलता है। लेकिन उसके बाद कुछ बैंक ऐसी होती है जो उस क्राइटेरिया से हट के लोन देने को देखती है, तो इसमें से मैंने बैंक के नाम बता दिए है, ठीक है? तो कोई दिक्कत आएगी नहीं यहाँ, तो मतलब यूनिवर्सिटी अगर आप नाम बताओगे तो ऐसा नहीं है कि वो उसी क्राइटेरिया में देखेंगे, आउट ऑफ द बॉक्स वो लोग लोन देते हैं। 7.5 वाली बात हो गई, मैंने क्लियर कर दिया। कुछ और डाउट रह गया होगा मेरे को पूछ लेना पड़ते ली, मेरे को ज़्यादा वीडियो रूम भी बनानी है, ठीक है? इसके बाद मॉर्गेज 7.5 लाख के ऊपर अगर आप लोन ले रहे हो, 7.5 लाख के अगर आप ऊपर लोन ले रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ गिरवी रखना पड़ेगा। खेत गिरवी नहीं रख सकते, अबैंडन्ड प्लॉट गिरवी रख सकते हैं, डिपेंड्स आपके लॉयर पे, डिपेंड्स बैंक पे, ठीक है? आपका प्लॉट कौन सी लोकेशन पे है, क्या है, ठीक? ज़्यादातर लोग और लिक्विड फंड्स एक होते हैं लिक्विड फंड्स, ठीक है? उसमें LIC आती है, आपकी कुछ शेयर्स वेयर्स, वो उतना मेरे को आइडिया नहीं है, लेकिन लिक्विड फंड नाम का कोई टर्म होता है। तो मतलब जैसे ना अपने LIC में कुछ पैसे हैं आपके, आपके कुछ शेयर्स हैं, पैसे हैं कहीं ऐसा ये वो, तो उसको बोलते हैं लिक्विड फंड। उसके बेसिस पे भी बैंक लोन देती है, लेकिन ज़्यादातर बैंक लोन देने को जाती है जब अच्छी कोई सिक्योरिटी, जितनी सिक्योरिटी आपकी अच्छी और वैल्यूएबल होगी उतना आपके लोन मिलने के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है? घर, भैया मेरा घर है, मैं घर गिरवी रख सकता हूँ क्या? बिल्कुल रख सकते हो, अगर आपका घर NATP है,
एनए मतलब होता है नॉन एग्रीकल्चर, ये सब बातें आपको समझेगी नहीं, ये सब बातें आपके पेरेंट्स को समझेगी। आपके पापा को पूछना, पापा अपना घर एनएटीपी है क्या, नॉन एग्रीकल्चर, और टीपी बोले तो टाउन प्लानिंग, ठीक है? ये टर्म मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, सीधा सीधा अपना पूछ लेना। अगर आपका घर एनएटीपी नहीं है, आपको लोन नहीं मिलेगा। इन द सेंस आपको 7.5 के ऊपर जो मॉर्गेज आप रखना चाहोगे अपना घर, आप नहीं रख सकते। नेशनलाइज बैंक को पूरे डॉक्यूमेंट क्लियर चाहिए, ठीक है? अगर आपका घर एनए भी है तो भी नहीं मिलेगा, सिर्फ टीपी तो शायद ही होता होगा, लेकिन अगर पूरा घर एनएटीपी चाहिए, एनएटीपी के बिना आपको लोन नहीं मिल सकता। आपका घर अगर एनएटीपी नहीं है तो आप अकेले एनएटीपी नहीं करा सकते, आपको उस पूरे लेआउट की परमिशन चाहिए होती है, आपको कलेक्टर ऑफिस जाना पड़ता है, बहुत सारे पैसे भरने पड़ते हैं, उसके बाद में फिर वो होता है जो भी फ्रंट निम का, उसके बाद होता है जो नगर परिषद में कुछ घर है जो एनएटीपी नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, नगर परिषद के पास आप जाते हो, आपका प्लॉट सैंक्शन मैप कुछ बनता है, उसमें प्राइसेस रखी गई है कि अबैंडन लैंड, मतलब अगर प्लॉट है तो लगभग 45 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पूरा पे करके वो आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करा के देंगे, आरएल बोलते शायद उसको, वो आरएल चलता है। अगर आप एनएटीपी ना कराओ, वो नगर परिषद से आरएल ला लो, वो भी चलता है। खाली प्लॉट कुछ मतलब देखो, ये एग्जैक्ट प्राइस नहीं है, ठीक है, ये वैरी करती है, मेरे को पता भी नहीं, लेकिन आप पूछ लेना। तो खाली प्लॉट का होता है लगभग 40 से 45 रुपया पर स्क्वायर फीट इंटू, मतलब जितना रुपये पर स्क्वायर फीट है उतना इंटू आपका प्लॉट का जो एरिया है उतना मल्टीप्लाई पर उतना पैसा देके आपको लाना पड़ता है। और अगर आपको घर घर बन के है तो 45 प्लस, मतलब आपको थोड़ा और बढ़ जाता है, मतलब 65 रुपये पर स्क्वायर फीट के पीछे आपको देना पड़ता है। इतना पैसा जब आप उसको देते हो तब जाके आपके घर के पूरे कागजात बनते हैं। नगर परिषद का काम बहुत लंबा होता है, लगभग 3 3 4 4 महीने वो लोग खींचते हैं, ठीक है? लेकिन मेरा काम ये सब बताना है आपको, जिस जो प्रेफरेबल लगे, एनएटीपी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एनएटीपी नहीं है और एनएटीपी कराने में बहुत, अगर आपका आप पैसा खर्च करने को तैयार हो तो ये ऑप्शन बेस्ट है, आरएल वाला, अगर आप नगर परिषद में आते हो। और एजुकेशन लोन का ज़्यादातर इंटरेस्ट होता है लगभग 8.5%, 7 लगभग 8% के आसपास होता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि आप विद कोलेटरल आपका है, विदाउट कोलेटरल आपका है, कितना अमाउंट है, 7.5 लाख है, 7.5 के ऊपर है, इसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट रेट वैरी करता है, 8 से 9 10 के आसपास होता है। और गर्ल्स को 0.5% इंटरेस्ट रेट कम लगता है एजुकेशन लोन में। इसके लिए सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है, सबसे फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको विद्यालक्ष्मी पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है, वहाँ पे एजुकेशन लोन, फिर एब्रॉड के लिए तो एक उड़ान, सॉरी एब्रॉड के लिए, फिर आपको बोलेगा डॉक्यूमेंट भरो, नाम वाम तो पूरा सब भरना पड़ता है, उसमें 6 स्टेप्स होती है, पूरी पूरी भर के आपको फिर पूछता है कि आपको कौन से बैंक में अप्लाई करना है, फिर वो बैंक वहाँ पे सिलेक्ट करनी पड़ती है। आप एक साथ 2 3 बैंक भी सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? तो आपने पूरी बैंक सिलेक्ट करनी है, उसके बाद में पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपके ईमेल आईडी पे एजुकेशन एप्लीकेशन लोन आईडी आती है। वो एप्लीकेशन आईडी लोन आईडी लेके आपको बैंक जाना है, बैंक में सबसे पहले बात करना है कि ऐसा ऐसा है, मैंने विद्यालक्ष्मी के थ्रू अप्लाई किया है, ठीक है? वो बैंक के मैनेजर को आप पूरा समझाओ, उसके बाद में वहां से आपका लोन प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है? उसमें तो फिर आपको आपका कॉलेज का एडमिशन लेटर जो भी वो मांगे, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब होता है। ये सब तो नॉर्मल जो केवाईसी डॉक्यूमेंट्स वो लगती है। इसके ऊपर जो आपको लगता है वो है आपका पापा का क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्रेडिट स्कोर या सिविल स्कोर अगर आपको नहीं पता तो मैं एकदम शॉर्ट में इसमें करने का ट्राई करता हूँ। अगर आपके पापा का कोई ईएमआई नहीं चल रहा है, या उनकी ईएमआई कोई बाउंस नहीं हुई है, या उनकी या कोई उनका चेक बाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, तो इस सब चीज़ों से आपके पापा का जो सिविल स्कोर है वो अच्छा रहता है। सिविल स्कोर से क्रेडिट स्कोर, और सिविल स्कोर अच्छा होना एक ज़्यादा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले बैंक में आप जब जाओगे तो आपके पापा का क्रेडिट स्कोर वो चेक करते हैं पूरा। उसमें अगर आपका पापा का क्रेडिट स्कोर अच्छा उनको लगा, मतलब ठीक, उनकी एक उसकी रेंज होती है लगभग 500 600 700 ऐसा कुछ स्कोर होता है, तो हर बैंक का रिक्वायरमेंट अलग होता है, उनके हिसाब से अगर आपका सिविल स्कोर ठीक लगा, उनको उन्होंने देखा कि आप ईएमआई, अगर आपको कोई लोन चल रहा है आपने ईएमआई प्रॉपर भरी है, उसके हिसाब से फिर आपके पापा का सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट 6 महीने का, ये वो फ्रंट इनको वो लोग मंगाते हैं, फॉर्म ए, सॉरी फॉर्म 16 AB, फॉर्म 16 AB तो निकल जाता है सबका, ठीक है? वो तो आपके वो सब ये जो चीज़ें हैं वो आपके पता आपके पापा को अच्छे से पता होगी। ये सब चीज़ें आप सबमिट करते हो,
आपके घर के पास वाले आप ब्रांच में अप्लाई करते हो, आप वहाँ आपकी फाइल बनती है, वो फाइल अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ सबमिट कर दी, उसके बाद में पूरा अटैच वटैच करके वो जो फाइल है, फिर बैंक मैनेजर पूरे डॉक्यूमेंट आपके नए बना के, क्या बोलते हैं, जो भी उस जो ऑफिस जो भी बैंक मैनेजर की जो रिक्वायरमेंट्स है, जो उनका काम है, वो फिर पूरा प्रिंट आउट इंट आउट निकाल के एक फाइल, हर चीज़ की आपको दो दो तीन आपको तीन तीन कॉपी रखनी है, एक आपकी लोकल ब्रांच, सेकंड जो आपकी मेन ब्रांच सर्कल ऑफिस में जाएगी, थर्ड जो आप खुद के पास रहेगी। आपकी एक फाइल बनती है जो आप जो ब्रांच पर रहती है आपके घर के पास वाली, फिर एक सेकंड फाइल होती है जो वो ब्रांच मैनेजर आपके जो मेन ब्रांच है उसको भेजता है लोन डिपार्टमेंट में। वहाँ फिर आपका पूरा क्रॉस चेक होता है, आपको फिर कॉल्स आ जाएंगे, अगर उनको कुछ क्वेरीज होंगी तो आपको पूछी जाएगी। अगर मॉर्गेज वाला सीन है तो वही बैंक के जो कुछ लोग, बैंक के ही लोग, एक लॉयर असिस्ट करते हैं, वो लॉयर आपसे बात करेगा, आपके घर के पूरा पेपर चेक करेगा, उसने अगर पूरा ओके कर दिया तो फिर वो फाइल आगे भेजता है। वो फाइल फिर आगे आगे जाके पूरा वो सब क्लियर होके लगभग ये 3-4 महीने लग सकते हैं। उसके बाद में उधर से आपको कॉल आएगा कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, उसके बाद में डिसबर्समेंट होता है। डिसबर्समेंट के टाइम भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है बैंकों का, ठीक है। अगर आप मतलब अगर इस साल आपको 4 लाख भरनी है, कुछ फीस है, अगर इस साल आपको 4 लाख भरनी है और बैंक आपको 2 लाख दे रही है इस साल, तो ऐसा नहीं होता कि बैंक आपको दो दे देगी पहले, दो भर देगी बैंक। और देखो ये कंडीशन अप्लाई है, ये हो भी सकता है भी नहीं भी हो सकता है, अगर आपकी रिलेशन अच्छा तो कोई कोई बैंक मैनेजर आप अपने क्या बोलते हैं रिस्क, अपने रिस्क पे ये कर देता है, मतलब 2 लाख पहले भर देगा आपके, उसके बाद आपको बोलेगा कि बाद में भरना है। लेकिन नेशनलाइज बैंक जो अगर रूल्स देखा जाए तो 2 लाख उनके और 2 लाख आपको, दोनों जब साथ में भरते हो तभी बैंक फंड डिस्पर्स करती है, ऐसा होता है। ये अगर आपको समझ नहीं आएगा ये पॉइंट, मैंने भी अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया, तो ये अपने बैंक मैनेजर को पूछ लेना, अगर मैंने मैंने कुछ पॉइंट छोड़ा तो है नहीं अभी। तो ये सब चीज़ें भैया, और ऐसा होता है एजुकेशन लोन, तो इधर उधर भटको मत, जो जो मैंने चीज़ें बताई वो प्रॉपरली फॉलो करो, कोई दिक्कत हो तो पूछो, मेरा इंस्टाग्राम आईडी है उस पर डायरेक्टली मैसेज करो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं ट्राई, और मैं अभी एक MBBS अब्रॉड की पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जिसमें स्टेप 1 से लेकर स्टेप जो भी फाइनल स्टेप होगा, जो मेरा लास्ट वीडियो होगा, उसमें मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा कि सबसे पहले आपने अगर आपको अप्लाई करना है तो आपने MBBS रशिया क्यों चूज़ करना है, क्वालिफाइंग क्राइटेरिया क्या है, यूनिवर्सिटी कैसे चूज़ करनी है, कंसल्टेंट क्या होता है, कौन सी कंपनी आपका ये सब काम कराती है, आपका वीज़ा कैसे लगता है, पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें मैं अभी एक लिस्ट बनाऊंगा, उसके हिसाब से मैं फिर MBBS रशिया सीरीज एपिसोड 1 एपिसोड 2 ऐसे करके पूरे एपिसोड लिस्ट करूंगा, जो कि मैं एक प्ले लिस्ट बना लूंगा अपनी इसमें पूरी, तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगी। और मैं ट्राई करूंगा कि जिस दिन किसी बच्चे ने मेरे कमेंट में क्वेश्चन पूछना बंद कर दिया कि भैया ये क्या होता है, ये कैसे करते हैं, जो दिन हो गया कि उसने क्वेश्चन पूछना मेरे, मतलब मेरे को क्वेश्चन आने बंद हो गए कि भैया सब समझ गया, कुछ क्वेश्चन नहीं है, उस दिन मेरे को लगेगा कि कुछ काम का मैंने किया है, ठीक है। तो ये है एजुकेशन लोन।